ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर में एक बुजुर्ग ने बीजेपी विधायक पर उसके प्लाट को कब्जाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायक की शिकायत की है। आपको बता दें, पूरा मामला सहारनपुर का है, जहां के हकीकत नगर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग सतीश कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रामपुर मनिहारान सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र कुमार निम के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर दिल्ली रोड स्थित उनके प्लाट पर कब्जा करने और सरकारी अधिकारियों को दबाव में लेकर उन्हें प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग सतीश कुमार ने कहा कि स्थानीय अधिकारी पूरी तरह से विधायक के दबाव में है, वह मुझ बुजुर्ग की सुनवाई नहीं करते हैं, वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां देते हैं। मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि वो जनसंघ के कार्यकर्ता है, वह बीजेपी सरकार के समर्थक है, बुजुर्ग है, साथ ही दौड़ दौड़ कर तक चुके हैं। बीजेपी सरकार ने गुंडों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसकी चौतरफा प्रशंसा हो रही है। उसी तर्ज पर उन्होंने प्रकरण में निष्पक्ष न्याय व इंसाफ की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी विधायक देवेंद्र कुमार निम ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने विपक्षियों की चाल बताया है। उन्होंने कहा है ये मामला 35 साल पुराना है, जो कि उनके पिता ही स्वर रामस्वरूप निम के नाम से वाद चला आ रहा है और माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि 35 वर्ष पुराने मामले को आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर मेरे विरोधियों द्वारा षड्यंत्र के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि से 4 वर्ष से मैं जनता के बीच रहा हूं, सभी मेरे बेदाग कार्यकाल को जानते हैं, अब चुनाव 4 माह बाद है, ऐसे में मेरे विरोधियों ने साजिश के तहत ही फेक पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। सतीश कुमार जी, हमने ये प्लॉट 1999 में लिया था, बैनामा है हमारे पास, तभी हमने दाखिल खारिज करवाया था, वो भी हमारे पास है, हमारा नाम दर्ज है खसरा खतौनी में सब जगह। तो दो इन्होंने तभी प्लाट हमारे पे कब्जा करने की कोशिश की, तो हम कोर्ट में चले गए, सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट से हमें 2007 में हमारे हक में हो गया था पूरा ये मैटर। तो ये उसके अगेंस्ट फिर हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे लेके आ गए, वहाँ पेंडिंग चल रहा है तक मैटर, फाइनल हेयरिंग के लिए पड़ा हुआ है। इन्होंने एक 229B का मुकदमा हमारे पर 2003 में कर दिया कि एग्रीकल्चर लैंड और हमारा कब्जा है इस पर, जबकि वो लैंड जो है सारी आवासीय है, जो सब हर जगह वो आवासीय लिखी हुई है हमारे खसरा खतौनी में हर जगह। तो 2012 में SDM साहब ने स्वयं संज्ञान लेके इसको आबादी घोषित कर दिया था,